Hello everyone, today I am going to discuss the stool examination. Stool examination. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले जो हम कलेक्ट करते हैं फ्रेश स्टूल को वो कैसे होता है. तो द कलेक्शन ऑफ फ्रेश स्टूल शुड बी कैसे होना चाहिए. सबसे पहले तो एक क्लीन देन वाइड माउथ कंटेनर जैसे कि एग्जांपल इज द प्लास्टिक कंटेनर. ठीक है ना, प्लास्टिक कंटेनर विथ ए लाइट फिटिंग लिड. ठीक है, प्लास्टिक कंटेनर हो उसके साथ लाइट फिटिंग लिड हो. ठीक है ना, उसके बाद एक आप मैच बॉक्स में भी कर सकते हो, मैच बॉक्स में. ठीक है ना, कार्डबोर्ड बॉक्स में, ये सब में भी आप स्टूल को रख सकते हो. ठीक है, सबसे पहले कलेक्शन आपने किया. अब जितने भी जो हम स्टूल को कलेक्ट करते हैं तो जो उसको हम केयरफुली हमें रहना है. ठीक है ना, क्योंकि हर एक स्पेसिमेन में कहीं मतलब एक पोटेंशियल सोर्स होता है कि उसके अंदर इन्फेक्शियस मटेरियल हो. ठीक है ना, और जो स्पेसिमेन हमने लिया तो हियर यू कैन राइट दैट फ्रेश स्पेसिमेन. ठीक है ना, शुड बी केयरफुली हैंडल्ड. केयरफुली हमें उसको हैंडल करना है, केयरफुली हैंडल्ड एज इट इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फेक्शन. ये हो गया. उसके बाद जो स्पेसिमेन है वो स्पेसिमेन कंटामिनेटेड किससे वाटर से, यूरिन से और डिसइंफेक्टेंट से. किसी से भी कंटामिनेटेड नहीं रहना चाहिए. किसी वाटर से, यूरिन से, डिसइंफेक्टेड से. ठीक है, फिर अब स्टूल जब हमारे लैब में आया तो स्टूल किस तरह का होगा और किस तरह से मतलब उसको आपको मतलब देखना है, कब एग्जामिन करना है. तो अगर कोई लिक्विड स्टूल है तो उसको आपको एग्जामिन या फिर प्रिजर्व करके रखना है, प्रिजर्व्ड विद इन द 30 मिनट्स. ठीक है, पैसे 30 मिनट जब आप उसने दिया स्टूल सैंपल, 30 मिनट के अंदर उसको एग्जामिन कर लेना है. अगर कोई सॉफ्ट स्टूल है ठीक है ना, तो उसको 1 आवर ऑफ पैसेज. ठीक है, और कोई अगर फॉर्म्ड स्टूल है तो 24 आवर ऑफ पैसेज. ठीक है, फिर हम किस तरह का स्टूल सैंपल एक्सेप्ट करते हैं कि मतलब वो किसी कोई मेडिसिन लेकर के लिया, कैसे लिया. तो नॉर्मल स्टूल, पास्ट स्टूल, तो दैट इज पास्ट स्टूल, दैट इज द प्रेफरेबल. और अगर ठीक है ना, किसी कोई प्रोगेटिव्स लिया है, प्रोगेटिव्स जो कि मेक द मतलब जो कि स्टूल को ईजिली पास करवाने में हेल्प करे, जैसे अगर किसी ने सोडियम सल्फेट लिया. ठीक है ना, या फिर हाई सलाइन एनीमा में यूज करते हैं, तो वैसा भी स्टूल आपको ले सकते हो. ठीक है, फिर जो अगर आपने फ्रेश स्पेसिमेन लिया है तो अगर हमें प्रोटोजोअन मोर्टैलिटी, इफ वी वांट टू लुक द मोर्टैलिटी ऑफ प्रोटोजोअन पैरासाइट, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बी रेडी विद द एग्जामिनेशन ऑफ फ्रेश स्पेसिमेन. हमें फ्रेश स्पेसिमेन लेना है, इतने से फॉर ऑब्जर्विंग द मोर्टैलिटी ऑफ प्रोटोजोअन पैरासाइट. अब जो स्टूल जो एग्जामिन हमने कर रहे हैं उसमें लोग अगर को चेक करना है, तो स्टूल का जो एग्जामिनेशन कर रहे हैं उसमें हमें चेक करना है, वी हैव टू चेक फॉर द कलर, फॉर द ऑर्डर, फॉर द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, म्यूकस, कंसिस्टेंसी. ठीक है ना, फिर आपको पैरासाइट तो देखना ही है, ऐसे राउंड बम, पिन बम, टेप बम, ये सब. ये हो गया हम जब कलेक्शन आप किए तो ये सब. अब उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आखिर हमें क्या क्या देखना है. तो ये देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वॉट आर द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टूल. द नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टूल जो कि होता है, क्या क्या होता है, दैट इज द ईस्ट सेल होता है. ठीक है ना, कॉटन के फाइबर्स होते हैं. उसके बाद और क्या क्या होते हैं, देर इज स्टार्च सेल, देन देर इज पोटैटो,
पेरेन्काइमल सेल, कुछ कुछ इतने पढ़ने के बाद कुछ कुछ तो याद रह ही आता है एग्ज़ाम में. देयर कुड बी मतलब नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूट फंगल स्पोर्स भी हो सकते हैं, मसल फाइबर्स भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ ल्यूकोसाइट्स भी हो सकता है कुछ अमाउंट में, ठीक है ना, बहुत सारे पॉलेंस हो सकता है, वैस्कुलर स्ट्रक्चर प्लांट हो सकता है, कॉर्न स्टार्च हो सकता है, बैक्टीरियाज हो सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें हो सकते हैं, ठीक है. तो ये हमने देख लिया कि नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्टूल क्या होता है. अब हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है, हम स्टूल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, आई मीन टू से कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं, ठीक है, एग्जामिनेशन करने के लिए. जैसे बेड माउंट होता है, थिक स्मियर होता है, परमानेंट स्टेंड प्रिपरेशंस होते हैं, ठीक है ना. तो अभी हम लोग देखते हैं, अभी आप लिख सकते हो कि स्टूल एग्जामिनेशन के लिए, फॉर स्टूल एग्जामिनेशन इनके जो मेथड्स होते हैं उसमें से क्या क्या है. फर्स्ट इज द बेड माउंट, ठीक है. सेकेंड इज द थिक स्मियर्स एंड थर्ड इज द परमानेंट स्टेन्ड प्रिपरेशन, ठीक है ना. तो आज हम अभी बेड माउंट में देखेंगे, बेड माउंट देखेंगे. तो बेड माउंट फिर हम देखेंगे कि बहुत तरह की होता है, ठीक है. एक तो होता है अनस्टेन्ड बेड माउंट, ठीक है ना. फिर एक होता है बेट्सेराइन माउंट, एक होता है यूजिन स्टेनिंग, एक होता है आयोडीन स्टेनिंग. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आज हम लोग बेट माउंट देखने वाले हैं. इसमें चार सब टाइप होते हैं, दैट इज द अनस्टेन्ड बेट फिल्म, फिर एक होता है बेट सेलाइन माउंट, उसके बाद एक होता है यूजिन स्टेनिंग, ठीक है. फिर लास्टली होता है दैट इज द आयोडीन स्टेनिंग, ठीक है. तो अभी हम लोग अनस्टेन बेड सेलाइन और आयोडीन स्टेनिंग अभी ही देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली प्रैक्टिकल्स में किए जाते हैं. तो ये तो हम करेंगे, ठीक है ना, बेड सेलाइन माउंट, आयोडीन माउंट, ठीक है. लेकिन हम अभी इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देख लेते हैं कि बेसिकली जो सेलाइन माउंट है, जो आयोडीन माउंट है, वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं. तो जो सेलाइन माउंट होता है, जो सेलाइन माउंट और जो आयोडीन माउंट होते हैं, सेलाइन माउंट और आयोडीन माउंट, जो कि दोनों क्या है, एक तरह के बेड माउंट है. दे फोकस ऑन टू पैथोलॉजिकल फाइंडिंग. और जो जो क्या क्या है, दे आर द ओवा एंड द सिस्ट. अब ठीक है, हमने देख बोला कि ओवा और सिस्ट, बट ओवा और सिस्ट किस किस में चीज में होते हैं. तो बेसिकली सेलाइन माउंट है और आयोडीन माउंट है, तो हमें पता है कि ये हम लोग बेसिकली मोस्टली प्रोटोजोआ हेलमेंट्स के लिए करते हैं. तो सेलाइन माउंट और आयोडीन माउंट में हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना, कि इसमें जो होता है प्रोटोजोआन के लिए, ठीक है ना, और हेलमेंट के लिए. तो प्रोटोजोआ का हम लोग क्या क्या देख पाते हैं, दैट वी सी द प्रोटोजोआ का ट्रोफोजोइड्स. बेसिकली हम जो सेलाइन माउंट और आयोडीन माउंट करते हैं, पैरासिटोलॉजिकली करते हैं. अब पैरासिटोलॉजी है, प्रोटोजोआ आता है, हेलमेंट्स आता है. तो प्रोटोजोआ का हम लोग क्या देखते हैं, दैट आई वांट टू टेल, ट्रोफोजाइट्स देखते हैं, सिस्ट देखते हैं, ट्रोफोजाइट एंड सिस्ट. और हेलमेंटिक का क्या देखते हैं, ओवा एंड द एग. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटोजोआ में हम लोग ट्रोफोजोइड देखते हैं, सिस्ट देखते हैं, हेलमेंट में हम लोग ओवा देखते हैं और एग देखते हैं, ठीक है. अब बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक जो स्मियर लेते हैं उसमें एक ही स्मियर पे एक जगह हम लोग देते हैं आयोडीन और एक जगह हम लोग देते हैं नॉर्मल सेलाइन, ठीक है. मान लीजिए यहाँ पे आयोडीन आप लेते हो, यहाँ पे नॉर्मल सेलाइन, ठीक है. यहाँ पे हम वो जो भी हम डालते हैं, ठीक है ना, जो हम पढ़ेंगे आगे, कि देखने के लिए ऑफकोर्स कुछ डालना होता है. और हम लोग थोड़ा सा स्टूल लेंगे, इसमें भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है, स्टूल और नॉर्मल सेलाइन आयोडीन. जैसे इसको हमने आयोडीन लिखा और इसको हम लोग लिखा स्टूल, ठीक है. इसमें नॉर्मल सेलाइन लिखा और इसमें हमने लिखा क्या, स्टूल, ठीक है. अब जो बेसिकली आयोडीन वाला की बात करते हैं, तो ये बेसिकली क्या होते हैं, दे आर द ब्राउन इन कलर. अब चूंकि ये ब्राउन इन कलर होता है आयोडीन जो होता है, तो ये क्या करता है, ये स्टेन करता है. सो स्टेन द इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टेन करता है, ठीक है. इंटरनल स्ट्रक्चर किसका, ऑफ सिस्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर. पहले तो आयोडीन किसको देख रहा है, सिस्ट को, ठीक है ना, सिस्ट को. इधर वाला प्रोटोजोआ मैंने पहले लिखा है, तो आयोडीन भी क्या PI, इसमें सिस्ट को ये कर रहा है. और इसके अब इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, जैसे आता है न्यूक्लियस आता है, ठीक है ना, उसके बाद आता है ग्लाइकोजेन आता है, ठीक है.
ये सब आप याद रख सकते हो। मतलब इसमें न्यूक्लियस, ग्लाइकोजन, ये बहुत अच्छे से मोर डिफाइंड होता है। ओके, और अगर आप नॉर्मल से लाइन की बात करोगे तो ये बेसिकली इसमें हम बेसिकली एक देखते हैं। यहाँ पे एक ओवा लिखा है ना, यहाँ पे स्टूल में हम लोग नॉर्मल से लाइन से एक को देखते हैं। तो एक को हम लोग देखते हैं कि या तो ये बाइल स्टेंड है कि ये नॉन बाइल स्टेंड है, ठीक है। मतलब कि या तो ये कलरलेस है या तो फिर ये ब्राउन है, ठीक है ना। क्योंकि जो बाइल सॉल्ट वाले होते हैं ब्राउनिश होते हैं, नॉन बाइल वाले कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप नॉर्मल सेलाइन क्यों, क्योंकि नॉर्मल सेलाइन क्या होते हैं बेसिकली, वो कलरलेस होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल सेलाइन कोई कलर नहीं होता है, इसलिए हम इसमें जो कलर हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। फिर नॉर्मल सेलाइन हम लोग यूज़ करते हैं मोर्टैलिटी, टिपिकल मोर्टैलिटी, मतलब अलग अलग पैरासाइटी की अलग अलग तरह की मोर्टैलिटी होती है। टिपिकल मोर्टैलिटी और पैरासाइट को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये चल पा रहा है, क्यों, बिकॉज दिस नॉर्मल सेलाइन दिस प्रोवाइड द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ओके, अब यहाँ पे जब हम लोग सलाइन जैसे आयोडीन और स्टूल डाला, उसके बाद जब नॉर्मल सलाइन जब हम लोग इसका स्मीयर प्रिपेयर करते हैं, तो बेसिकली एक स्टेप आप याद रख सकते हो कि इसमें एक कवर स्लिप होता है, छोटा छोटा कवर स्लिप होता है। तो जो कवर स्लिप होते हैं ना, कवर स्लिप, उसको हम लोग मेक एट एन एंगल और 45 डिग्री के एंगल पर रखते हैं, ठीक है ना। क्यों, ताकि सो देयर इज लेस चांस फॉर एयर बबल टू कम, ठीक है। अब देखो, हमने बोला कि सिस्ट मतलब आप जो आयोडीन वाला है, जो न्यूक्लियस और ग्लाइकोजन, मतलब जो सिस्ट वाला है, उसको आप लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो आयोडीन वाला है उसका एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे जो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि जो ये जो आयोडीन स्टूल जो है वो जो सिस्ट में होता है, तो ये किसके डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है, तो दे हेल्प इन द डिफरेंशिएशन बिटवीन द सिस्ट ऑफ, क्योंकि सिस्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है, तो ऑफकोर्स दो ऑर्गेनिज्म, दो बैक्टीरियाज के सिस्ट, दो पैरासाइट के सिस्ट को डिफरेंशिएट करेगा। तो डिफरेंशिएट बिटवीन द सिस्ट ऑफ पैथोजेनिक, क्या क्या, एक तो होगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, जो कि नॉन पैथोजेनिक होता है, सॉरी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका दैट इज पैथोजेनिक, दिस इज द पैथोजेनिक, और सिस्ट, और क्या है, एक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और इकोलाई, ठीक है ना, जो कि नॉन पैथोजेनिक है। कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, इकोलाई हमारे बॉडी में है, मतलब उसको दिमाग चाहिए, ठीक है ना, मतलब उसको न्यूक्लियस का ब्रेन होता है। इसका मतलब कि इसके हम लोग न्यूक्लियस को देखेंगे तो इसमें हमें मोर देन 4 न्यूक्लियस दिखेगा, ठीक है। 4 इज द बाउंड्री लाइन, 4 न्यूक्लियस, और मैक्सिमम एग्जांपल मैक्सिमम 8 तक भी आ सकता है, 8 न्यूक्लियस, बट ये हमारे लिए पैथोजेनिक है, तो उनके पास थोड़ा दिमाग कम है, मतलब न्यूक्लियस कम है, तो मैक्सिमली उनमें 4 न्यूक्लियस होगा और उससे कम ही होगा। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द सिस्ट ऑफ पैथोजेनिक एंटीमिबा हिस्टोलिटिका एंड नॉन पैथोजेनिक इकोलाई। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, हम लोग बेटमाउंट को पढ़ते हैं, तो ठीक है ना। सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट इज द अनस्टेंड बेट फिल्म, ठीक है ना, जो सबसे पहले हमने देखा कि अनस्टेंड बेट फिल्म। तो बेसिकली जो अगर अब अनस्टेंड बेट फिल्म की बात करोगे, तो अनस्टेंड बेट फिल्म जो है ये मतलब स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है। इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल लेते हैं, ठीक है ना, और एक ड्रॉप ऑफ सेलाइन, ठीक है ना, और उसको साइड पर रखते हैं, और मतलब एयर बबल ना आए इसका हम लोग ध्यान रखते हैं। तो ये पहले हम लिख लेते हैं कि अनस्टेंड बेट फिल्म, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन, ठीक है। और बनता कैसे है, मेड बाई इमल्सिफाइंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ स्टूल इन ए ड्रॉप ऑफ सेलाइन, ठीक है, प्लेस्ड ऑन स्लाइड, ठीक है। अब ये तो बन गया, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है कि इफ़ द फीसेस दैट कंटेन म्यूकस, तो हम वी विल प्रिपेयर द फिल्म कंटेनिंग म्यूकस।
और जो पूरा का पूरा फील्ड है, जो इंटायर फील्ड, दिस इज इम्पॉर्टेंट. इसलिए हम बस ऐसे सिंपल एक पढ़ रहे हैं कि अंडरस्टैंड बेड फ्रेम होता क्या है, ठीक है ना, ताकि हम ये समझ सकें कि अच्छा हमें स्टूल को लेना है ड्रॉपअप से लाइन में, फिर अगर आयोडीन बाद में पढ़ेंगे तो आयोडीन में भी डालेंगे, फिर अगर म्यूकस पार्ट है तो उसी से हम लोग म्यूकस पार्ट वाले से ही बनाएंगे. और जो फील्ड होगा इंटायर फील्ड को, इंटायर फील्ड, ठीक है ना, कहाँ पे, अंडर द कवर स्लिप, अंडर द कवर स्लिप दैट शुड बी एग्जामिंड विथ 10x. पहले तो आप 10x में करोगे अंडर द लो लाइट इंटेंसिटी. और अगर कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मिला तो सिर्फ हम हाई पावर ऑब्जेक्टिव पे देखते हैं, हम लोग वाइल्ड इमर्सन पे नहीं देखते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई पावर ऑब्जेक्टिव दैट इज मीन्स 40x पे हम लोग देखते हैं सस्पिशियस ऑब्जेक्ट, ठीक है. दिस वॉज द इम्पॉर्टेंट. अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले दैट इज द बेड सेलाइन माउंट की. बेड सेलाइन माउंट आखिर होता क्या है, तो लेट मी राइट दैट सेलाइन बेड माउंट ऑफ स्टूल. सबसे पहली बात होता है कि जब हम सेलाइन बेड माउंट हम लेते हैं तो उसमें आप क्या कर सकते हो, जो जैसे हमने बताया कि हाँ सेलाइन से ऑफकोर्स स्टूल को मतलब दोनों को मिक्स करना है, बट आई एम आस्किंग कि सेलाइन जो होता है उससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं. तो ऑफकोर्स द ओवा, ठीक है, एग, कि वाइल्ड स्ट्रेन एग है, नॉन वाइल्ड स्ट्रेन एग है, फिर उसकी मोर्टैलिटी, क्योंकि आयोडीन पूरा, सॉरी, नॉर्मल सेलाइन कलरलेस होता है, तो कलरलेस और ब्राउन में डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा. फिर उसकी टिपिकल मोर्टैलिटी और पैरासाइट, क्योंकि हम नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन दे रहे हैं तो इजिली हमें पता चल सकता है, ओके. और ये इंपॉर्टेंट है कि जो सेलाइन बेड माउंट का एग्जामिनेशन हम करेंगे, सबसे पहले 10x में करेंगे, उसके बाद 40x पे, 100x पे हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन बेड फिल्म माउंट करते ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से पानी पानी है और उसमें वाइल डालेंगे तो व्हाट विल हैपन. यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, ओके, आफ्टर दिस, कि सेलाइन प्रिपरेशन किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, प्रोफेसर मतलब मोर्टैलिटी के लिए और डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन द स्टेन्ड एंड नॉन वाइल स्टेन, जो कि मैंने आपको पहले इस डायग्राम के थ्रू बता दिया था, ठीक है. अब इसकी प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल, क्योंकि जब थ्योरी प्रैक्टिकल हम दे रहे होते हैं तो हमें प्रिंसिपल लिखना पड़ता है. तो सेलाइन बेड माउंट जो होते हैं वो प्रिपेयर कैसे होते हैं, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फीसेस, ठीक है, विथ फिजियोलॉजिकल, क्योंकि मोर्टैलिटी हमें उसे मेंटेन करना पड़ेगा सेलाइन, ठीक है. अब दिस सेलाइन माउंट इज कलरलेस प्रिपरेशन, ठीक है. तो इससे स्टेनिंग बाइल स्टेन है कि नॉन बाइल स्टेन है कि नहीं उसका पता चलेगा, ट्रोफोजॉइड का पता चलेगा, ठीक है. और एक और चीज़ होता है जो कि मैंने ऊपर में नहीं लिखा है, जो कि कलरलेस है, तो एक और होता है, वन मोर, जो कि होता है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रोमेटोइडल बॉडी इन द सिस्ट, ठीक है, जो कि मैं ऊपर भूल गई थी. तो आप लिख सकते हो क्रोमेटोइडल बॉडी इन सिस्ट का पता करता है, बाइल स्टेन्ड है या फिर नॉन बाइल स्टेन्ड है उसका पता करता है, ट्रोफोजॉइट का मोर्टैलिटी को पता करता है, ठीक है. इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप जो तो आप जानते ही हो, फिर रिएजेंट में कवर स्लिप, फिजियोलॉजिकल सेलाइन, एप्लीकेटर स्टिक, ठीक है, स्लाइड्स, ये सब, ठीक है. अब ये भी पूछ सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल सेलाइन किसको बोलते हैं, तो नॉर्मल सेलाइन होते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिखा फिजियोलॉजिकल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन को ही बोलते हैं, जिसमें क्या होता है 0.85%, क्योंकि 9 हमने पढ़ा भी था, NaCl होता है इन डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है. ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ये कैसे प्रिपरेशन करते हैं हम लोग, क्योंकि जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में बहुत जगह जिम्सा स्टेन हमें देखो कि पाउडर फॉर्म में रहते हैं उसको मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे 8.5 ग्राम ऑफ NaCl 1000 ml, जो हम केमिस्ट्री में बिट बाई वॉल्यूम ये सब पढ़ते थे ना, वहीं यहीं पर कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है. और स्पेसिमेन हमें फ्रेश स्टूल सैंपल लेना है, और 3 तरह के स्टूल सैंपल होते हैं, एक लिक्विड उसको आता है मतलब कि विद इन हाफ एन आवर, और अगर सॉफ्ट स्टूल है 1 आवर, और नॉर्मल स्टूल है तो 24 आवर हमें उसे टेस्ट कर देना होता है, ठीक है. फिर प्रोसीजर इसमें अगर आप करवा रहे हैं देन इट्स ओके, देन एक आपको क्लियर स्लाइड लेना है, ड्रॉपर से आपको सलाइन लेना है, और एप्लीकेटर स्टिक से छोटा सा थोड़ा सा स्टूल लेना है, उसको इमल्सीफाई करना है, मींस मिक्स करना है, देन आपको कवर स्लिप को 45° एंगल पे करके स्टूल पे रखना है ताकि वहाँ पे एयर बबल्स ना हो, फिर आपको 10x पे देखना है, फिर 40x पे देखना है, ठीक है. दिस वॉज द थिंग. उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि जो बेड माउंट आपको बनाना है ना, ही ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा थिन हो,
ठीक है ना, मतलब इतना आपको प्रिपरेशन में आना है कि प्रिंटेड लेटर में न्यूज़पेपर के थ्रू भी आप उसको पढ़ सकते हो, उस तरह का आपको स्लाइड प्रिपरेशन करना है, ठीक है ना। उसके बाद जो बेटेस्ट अमाउंट होना चाहिए, ओवरफ्लो नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर ट्रोफिस वाइट लार्वा ये सब तो अच्छे से दिखेगा ही, बाइल स्टेनिंग दिखेगा, ये सब आप याद रख सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिजल्ट कैसे आप इंटरप्रेट करोगे, क्योंकि आपको अगर नहीं करने दिया जाएगा बट आपसे पूछ सकते हैं MBBS में सेकंड ईयर में, मे बी आपसे ना करवाए बट दे कैन आस्क रिजल्ट। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि किन में लाइव मतलब मोटाइल ट्रोफोजॉइड्स होते हैं। तो लेट मी राइट हेयर दैट द लाइव मोटाइल ट्रोफोजॉइड्स ऑफ किसका किसका आपको मिलेगा, एंड एमीबा हिस्टोलिटिका जो कि पैथोजेनिक था, जिसमें आप पढ़े थे कि मैक्सिमम 4 न्यूक्लियस होता है क्योंकि उनके पास कम दिमाग चाहिए, ऐसा हमने याद किया था, ठीक है। बेलेंटीडियम कोलाई ठीक है, देन जियार्डिया लैम्बलिया, ठीक है। ये आपको लाइव मोटाइल ट्रोफोजॉइट के अकॉर्डिंग आप मतलब आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और आगे हम लोग देखेंगे भी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताओ आप यहाँ पे याद रखो, ठीक है ना। फिर हम लोग मतलब कि हेलमिंट्स की एक को तो देख ही सकते हैं कि बाइल स्टेंड है कि नहीं है, जैसे आप याद रख सकते हो कि जैसे आपसे पूछ सकते हैं कि बाइल स्टेंड और नॉन बाइल स्टेंड एक कौन कौन से होते। आपको जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका का सिस्ट, इसका सिस्ट होता है बेसिकली, सिस्ट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका और सिस्ट ऑफ जियार्डिया लैमिना, ये लाइव मोटाइल ट्रोफोजॉइट और उसको लोग सेलाइन मोल्ड से देखते हैं, ये आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि यही सब क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। और आपको क्या पूछेंगे कि एक तो ये हो गया मैंने ट्रोफोजॉइट की बेसिस बता दिया, एक मैं बता रही हूँ आपको बाइल स्टेनिंग पे, तो बाइल स्टेनिंग एक पे आप याद रख सकते हो, बाइल स्टेन एग दैट विल बी द एस्केरिस एंड द ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, ठीक है, याद रख लिए आप एस्केरिस एंड ट्राइक्यूरा एस्केरिस का पूरा नाम एस्केरी लुम्ब्रिक्वाइट और ट्राइक्यूरिस का ट्राइक्यूरा। और अगर आप नॉन बाइल स्टेन एक की बात करोगे तो इसकी एक निमोनिक्स होती है नेहा, तो एन से होगा नेक्टर अमेरिकन्स, ई से हो जाएगा एंट्रोबियस, एच से हो जाएगा एच नाना, ठीक है, ए से हो जाएगा एनसाइक्लोस्टोमेटा। और इसमें जो एनसाइक्लोस्टोमेटा और नेक्टर अमेरिकन्स देख रहे हो वो आपको हुकबॉम होता है, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि अगर टीचर पूछे कि आप इससे क्या क्या देख सकते हो, तो आप पहले बोलोगे लाइव मोटाइल ट्रोफोजॉइट जिसमें कि सिस्ट ऑफ एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया, बेलेंटीडियम कोलाई, सिस्ट ऑफ जियार्डिया लैमिया, ये देख सकते हैं मैम, एंड बाइल स्टेन एग आप देख सकते हो कि मैम एस्केरिस और ट्राइक्यूरा का हमें बाइल स्टेनिंग दिखेगा, और नॉन बाइल स्टेन में नेक्टर अमेरिकन्स, एंट्रोबियस, ट्राइक्यूरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा दिखेगा। फिर इसमें भी क्वेश्चन होते हैं कि जैसे ये सब में डिफ्रेंशिएट आप कैसे करोगे, तो जो ट्राइक्यू तो अभी मैं आगे ही बताऊंगी कि ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा में तो बाइल स्टेन भी और भी कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, वी विल टेल फर्दर मोर, उसमें हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक के बारे में भी बताते हैं, दिस इज द वन। तो अब ये याद कर लो, नेहा मतलब एन फॉर नेक्टर अमेरिकन्स, ई फॉर एंट्रोबियस, एच फॉर एच नाना, ए फॉर एनसाइक्लोस्टोमेटा, एन फॉर नेक्टर अमेरिकन्स, ई फॉर एंट्रोबियस, एच फॉर एच नाना, ए फॉर एनसाइक्लोस्टोमेटा, नेक्टर अमेरिकन्स, एंट्रोबियस, एच नाना एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा। आई होप इतना और सुनने का याद हो गया होगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप नॉन बाइल स्टेन एग में देखते हो, तो अगर एंट्रोबियस होते हैं ना, एंट्रोबियस एग विजिबल नहीं होते क्योंकि बहुत कम अमाउंट में होते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, मैं एक एक करके बता रही हूँ, जैसे मैंने बोला था कि एक के बारे में हम डिटेलिंग में देखेंगे, जैसे आप देखो एग ऑफ एंट्रोबियस वर्मिकुलैरिस, अगर आप इसकी बात करते हो एग ऑफ एंट्रोबियस वर्मिकुलैरिस, दिस इज़ वेरी लेस कॉमन और रेयर टू गेट अंटिल बहुत ज़्यादा एग हो, अंटिल वेरी मच एग इज प्रेजेंट, ठीक है। ये एक कंप्लीट हो गया, दैट इज द एंट्रोबियस। फिर हमने एंटामीबा हिस्टोलिटिका में बोल ही दिया, ठीक है ना, कि जो एंटामीबा हिस्टोलिटिका बेसिकली जो होते हैं मोटाइल हैं, प्लस फिर हम उसको आयोडीन माउंट से देखेंगे तो उसमें कितने होंगे, 4 न्यूक्लियस हमें दिखेंगे, ये डन है। फिर अब जियार्डिया के लिए दिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखते हो सिस्ट ऑफ
जियार्डिया। तो ये बेसिकली ऐसे गोल दिखते हैं, मतलब ओवल, ठीक है ना, ओवल। तो पहले आप देखो ओवल, ठीक है ना, और इसको डायगनली डायगनली एस शेप्ड कर्व डिवाइड करता है, एस शेप्ड कर्व डिवाइड करते हैं, और इसमें चार न्यूक्लियस होते हैं, चार न्यूक्लियस होते हैं। तो ये आप जियार्डिया के लिए याद कर सकते हो। तो जियार्डिया ऑल्सो डन, ठीक है, क्या ओवल शेप्ड होते हैं डायगनली एस शेप्ड लाइन से चार न्यूक्लियस में मिलता है, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे एस्केरिस के बारे में, वी आर गोइंग टू लुक अबाउट द एस्केरिस। तो हम इसमें लिखते हैं, तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पे एस्केरिस, दैट सेकेंड इज द एस्केरिस, एस्केरिस, ठीक है। इसमें दो तरह की एग आता है, एक होता है अनफर्टिलाइज्ड एग और एक फर्टिलाइज्ड होता है। तो अगर हम अनफर्टिलाइज्ड एग की बात करते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, तो ये बेसिकली इलिप्टिकल इन शेप होता है। तो उसकी शेप क्या हो जाएगी, इलिप्टिकल, ठीक है, लॉन्गर होगा, नैरोर होगा, और इसकी जो सेल होगी ना, मतलब जो सेल होगा वो थिनर सेल होगा। तो देयर विल बी थिनर सेल विथ एंड इरेगुलर, ठीक है ना, कोटिंग ऑफ एल्ब्यूमिन, इरेगुलर कोटिंग ऑफ एल्ब्यूमिन होता है, ठीक है, और उसमें मतलब कि स्मॉल एट्रिफाइड ओबम होता है, और ये मतलब कि फ्लोट नहीं कर पाता है। इट इज इम्पॉर्टेंट कि इट डज डू नॉट फ्लोट इन सॉल्ट सॉल्यूशन। फिर ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग होगा वो एट्रॉफिक होगा, ठीक है, कोई भी नो क्रिसेंट्रिक शेप ऑन पोल, ठीक है, और सिंक कर जाएगा कहाँ पे, सॉल्ट सॉल्यूशन में। ये तो हो गया अनफर्टिलाइज्ड। अगर आप फर्टिलाइज्ड, फिर सेकेंड होता है फर्टिलाइज्ड एग। अगर हम फर्टिलाइज्ड एग की बात करते हैं तो ये बेसिकली राउंड होते हैं। कैसे होते हैं, दे आर द राउंड। सबसे पहले तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है उसमें एक सिंगल ओबम, दैट इज द सिंगल ओबम, ठीक है, सिंगल ओबम तो हम लिख दिया। उसके बाद ये होता है क्रिसेंट्रिक, टू क्रिसेंट्रिक शेप एज ऑन ओबम, तो क्रिसेंट्रिक शेप होता है एज ऑफ ओबम में, ठीक है ना, और ये राउंड और ओवल तो हमने देख लिया। और फर्टिलाइज्ड एग होगा वो ऑलवेज 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 दैट विल बी द बाइल स्टेन, हमेशा बाइल स्टेन होगा, ठीक है। और ये इसमें भी वही है, थिनर सेल विद द इरेगुलर कोटिंग ऑफ एल्बुमिन, इसलिए मैंने बनाया नहीं है, बट दोनों में ना ऐसे होता है कोटिंग, जो इसका भी और उसका भी, दोनों का ऐसे थोड़ा, ठीक है ना, इरेगुलर कोटिंग्स होते हैं, ये एल्बुमिन के बने होते हैं थिन वाले, ठीक है। उसके बाद फिर ये आप देख लोगे, और यहाँ पे मैं ऐसे बना देती हूँ, और इसको हम लोग कॉर्टिकोफाइड, अगर इसमें आपको ये दिख रहा है देन इट इज कॉलस कॉर्टिकेटेड एग। कुछ एग जो होते हैं फीसस में आते हैं, ये जो आउटर मैमेलियन कोट है ना उसके मतलब कि बगैर आते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन डीकॉर्टिकेटेड एग, ठीक है। और ये क्या करता है, दिस फ्लोट ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड एग हो गया, ये हमने एस्केरिस भी देख लिया। अब हम ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा ही देख लेते हैं। तो व्हाट अबाउट द ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा एग, तो जो ट्राइक्यूरिस कि जो ट्राइक्यूरा की जो एग होते हैं, ये बेसिकली ऑफकोर्स बाइल स्टेन्ड है, एटी में आता है बाइल स्टेन्ड है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा ही जाएगा, इट इज द बैरल शेप्ड एग, दिस इज द बैरल शेप्ड एग, और इनके दोनों एंड पे क्या होते हैं, दे हैव द म्यूकस प्लग, दिट इज कॉल्ड बाइपोलर। ये भी हमने देख लिया, अब क्या बचा, ठीक है ना, एशनाना भी हम देखते हैं, एशनाना के बारे में देख लेंगे, एंड जियार्डिया वी हैव सीन। उसके बाद मैंने बोला था कि जो नेक्टर अमेरिकन्स और इनसाइक्लोस्टोमेटा हैं, दे आर द हुकबाम, ठीक है, तो हुकबाम के बारे में देख लेते हैं, और एशनाना दोनों दो के देखने के बाद इट विल बी कम्प्लीटेड। तो एशनाना सब अभी हम देख रहे हैं, एशनाना एक एशनाना, ये ऑफकोर्स क्या है, नॉन बाइल स्टेन, ठीक है, और ये बेसिकली ऐसे गोल से आप इसका बना लो,
और इसके बीच में ये इसका जो बीच में क्या होते हैं थ्री पेयर ऑफ हुकलेट्स होते हैं, दे हैव द थ्री पेयर ऑफ हुकलेट्स और दोनों पोल पे ना इनके पोलर फिलामेंट्स होते हैं, ऑन बोथ पोल दे हैव द पोलर फिलामेंट्स, दे हैव द पोलर फिलामेंट्स ठीक है, और इनमें टू मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये हमने देख लिया एशिनाना। और मतलब कभी कभी क्या होता है कि एशिनाना का हमें फुल फॉर्म पूछता है, तो एशिनाना इज हेमेनोलो लेपिस नाना, दैट्स मैं लिख देती हूँ हाइमेनोलेपिस नाना ठीक है, हाइमेनोलेपिस नाना ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं हुकबम जो बचा हुआ था, एक हुकबम जिसमें दो आ रहे थे, ये भी क्या नॉन बॉइल्ड स्किन एग है ठीक है ना, ऐसे ये भी होते हैं, और दिस इज द ट्रांसपेरेंट ठीक है। उसके बाद हाइलिन रिफ्रेक्टाइल आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, और इसमें जो डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर दिस इज 4 to 8, और इसमें जो ओबम होते हैं सेगमेंटेड ओबम होते हैं, और डिफरेंट नंबर ऑफ ब्लास्टोमियर जो मैंने बोला 4 to 8 मतलब डिपेंड करते हैं कि किस स्टेज ऑफ डिवीजन पे ये हैं। तो दिस वाज द थिंग, ये हमने देखा सेलाइन मोल्ड के बारे में सारा ठीक है ना, सेलाइन मोल्ड के बारे में सारा कुछ देखा, लेकिन ये मैं बता दूं कि जो इसकी कुछ कुछ चीज़ें अभी हम क्या बोलते हैं आयोडीन जब बेटमोन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम ये हेल्प करें यूज़ करेंगे ठीक है। तो अब देखते हैं हम आयोडीन बेटमोन, तो आयोडीन बेटमोन्ट हमने पहले ही देख लिया कि चूंकि आयोडीन ब्राउन इन कलर है तो ये स्टेन कर देता है, तो हमें सिस का न्यूक्लियस ग्लाइकोजन ये सब देखने में बेसिकली हेल्प होता है, हम उसके ट्रोफिजॉइड को नहीं देख पाते क्योंकि आयोडीन जो होता है पहले उसको किल कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो आयोडीन बेट माउंट है उसमें हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, तो आयोडीन बेट माउंट में भी हम लोग सबसे पहले एक ड्रॉप ऑफ सेलाइन प्रिपरेशन बनाते हैं बेट माउंट में ठीक है ना, उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं। तो जो अभी हम जो जिसके बारे में पढ़ रहे हैं दैट इज़ द डॉबल्स, सॉरी बहुत सारे आयोडीन है बट अभी सिलेबस में जो मुझे लगता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए दैट इज द ल्यूगोल्स आयोडीन ठीक है ना, ल्यूगोल्स आयोडीन हम लोग पुट करते हैं जब सेलाइन जो बेटमाउंट बनाया उसमें हम ल्यूगोल्स आयोडीन डालते हैं दैट इज कॉल्ड एज आयोडीन बेटमाउंट, और इससे हम लोग न्यूक्लियस को ग्लाइकोजन मास को हमें पता चलता है ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। और आयोडीन में हमें पता ही है कि बाइल स्टेनिंग हेलमेंट एक का हमें पता नहीं चल पाएगा, हेलमेंट्स में ये होते हैं तो उसका पता नहीं चल पाएगा ठीक है, इसमें भी वही सब है सब कुछ कि माइक्रो आपको स्लाइड चाहिए, कवर स्लिप चाहिए, एप्लीकेटर स्टिक चाहिए, डॉबल्स आयोडीन चाहिए ओके। एंड इसे भी हम 10x और 40x पे ही देखेंगे, हमें 100x पे से नहीं करना है ओके। एंड अब बात आता है एक्चुअल कि हम इसमें रिजल्ट्स में क्या क्या देखेंगे, तो अगर आप रिजल्ट्स की बात करोगे तो हम सबसे पहले ही बोले थे कि जैसे एंटेमीबा हिस्टोलिटिका और एंटेमीबा इकोलाई को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है, तो बेसिकली एंटेमीबा हिस्टोलिटिका में आपको क्या दिखेगा 1 to 4 न्यूक्लियाई है ना, और एक ग्लाइकोजन मास भी दिखेगा ठीक है, और इकोलाई में आपको क्या दिखेगा एंटेमीबा कोलाई में आपको 1 to 8 न्यूक्लियाई दिखेगा, और इसमें भी ग्लाइकोजन मास दिखेगा, इसलिए मैंने उस समय उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया था क्योंकि वन ये इंपॉर्टेंट है ठीक है। उसके बाद आपको जैसे जियार्डिया है जो जियार्डिया है उसमें आपको एक मतलब सिस्ट बॉल दिखेगा, तो जियार्डिया के भी हम यूज़ करते हैं ठीक है। उसके बाद आपको ट्राइक्यूरिया स्केरिस हुकबम में भी आप इसको देख सकते हो ठीक है, ये चीज़ें थी आयोडीन माल्ट में ठीक है। फिर से वही कि स्टूल जो बेटमाउंट आपको तुरंत आपको चेक कर लेना है ठीक है ना, और ज़्यादा थिक और थिन बेटमाउंट नहीं होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आयोडीन बेटमाउंट होता है वो किल कर देता है ट्रोफेजॉइड्स को ठीक है ना, प्रोटोजोआ लार्वा को, इसलिए हम लोग उसकी मोर्टैलिटी को नहीं देख पाते हैं ठीक है, और बाइल स्टेनिंग भी हम लोग उसका नहीं देख पाते हैं। और आयोडीन जब भी आप देखिए सॉल्यूशन ले तो आप उसको हैंडल विथ केयर बिकॉज इट इज़ इंजूरियस व्हेन इट कम इन द कॉन्टैक्ट विद द आई एंड तो ये चीज़ें हैं। फिर आपसे कभी पूछ भी सकते हैं कि जो आयोडीन बेट माउंट है उसके एडवांटेजेस क्या हैं डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेज में क्या आप लिखोगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो कि प्रोटोजोअन सिस्ट में प्रेजेंट है आप आसानी से आप देख सकते हो
ठीक है ना। उसके बाद इसमें जो ब्रॉन ग्लाइकोजन मास है और जो एलोइस साइटोप्लाज्म है वो अच्छे से दिखता है। व्हाट एलोइस साइटोप्लाज्म एंड ब्रॉन ग्लाइकोजन मास। और डिसएडवांटेज क्या है कि ट्रोफेजॉइड जो होते हैं आयोडीन उसको किल कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मोर्टेलिटी नहीं दे सकते हैं, बाइल स्ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते हैं, और क्रोमेटॉइडल बार जो कि मैंने सलाइन में बताया था वो भी इजिली डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आयोडीन्स आयोडीन एंड पूरा का पूरा जो मतलब बेट माउंट हमने पढ़ा स्टूल एग्जामिनेशन का वो चीज़ें। थैंक यू एवरीवन।